हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीसीसी सचिव सहित पर्यावरण प्रेमियों ने किया वट वृक्ष का पूजन। वासा के जावेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ पर्यावरण पूजन का आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समीपवर्ती गांव वासा के जावेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में पर्यावरण पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश सचिव निब्बाराम गरासिया के आतिथ्य में पर्यावरण प्रेमियों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वट वृक्ष का पूजन किया। जमदगिल ऋषि सेवा आश्रम के अध्यक्ष केतन ओझा ने बताया कि पृथ्वी पर पर्यावरण की महत्व को समझते हुए जावेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण प्रेमियों द्वारा वट वृक्ष की पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्वान पंडित के सानिध्य व पीसीसी सचिव निब्बाराम गरासिया के आतिथ्य में विधि विधान पूर्वक वट वृक्ष की पूजा अर्चना की गई। पीसीसी सचिव निब्बाराम गरासिया ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना के पश्चात पृथ्वी पर पर्यावरण की महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर सभी ने पर्यावरण प्रेमियों ने पर्यावरण बचाने एवं कोरोना महामारी में हुई ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पौधारोपण करने का संकल्प लिया। इस मौके पर जमदगिरी ऋषि सेवा आश्रम के अध्यक्ष केतन ओझा, वासा सरपंच प्रभुराम हीरागर, बुला के पूर्व सरपंच कन्हैयालाल अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, छोगालाल प्रजापत, सिराज मेमन सहित पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। कई सालों से जर्जर पड़ा जावेश्वर महादेव मार्ग पर डामरीकरण की उठी मांग, गरासिया ने एक्सियन को अवगत कराया, दिया आश्वासन। विश्व पर्यावरण दिवस पर जावेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे पीसीसी सचिव निब्बाराम गरासिया से ग्रामीणों ने पिछले कई सालों से वासा गांव से जावेश्वर महादेव मार्ग जर्जर पड़ा हुआ होने के बारे में कहते हुए डामरीकरण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि करीबन 13 वर्ष पूर्व इस मार्ग पर डामरीकरण हुआ था, उसके पश्चात सड़क जर्जर हालात में होने से श्रद्धांजलियों को जावेश्वर महादेव मंदिर आने जाने में परेशानी हो रही है, जिसमें वह पीसीसी सचिव निब्बाराम गरासिया में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन रमेश बराड़ा से मोबाइल पर बात कर जल्द ही इस मार्ग पर डामरीकरण करवाने के लिए अवगत कराया, जिस पर एक्सीएन ने जल्द ही इस मार्ग पर डामरीकरण करने का आश्वासन दिया। जागरूक टीवी की रोहिड़ा से हितेश माली की रिपोर्ट।